इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व कम हो रहा है, लेकिन क्या इसका असर हम पर पड़ेगा? अगर किसी देश के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो जाता है तो वहाँ क्या सिचुएशन होती है, ये आपने श्रीलंका के केस में देख ही लिया होगा। इंडिया का फॉरेन रिजर्व इस साल की शुरुआत में 640 बिलियन डॉलर से ज्यादा था, जो अब घटकर 600 बिलियन के नीचे आ चुका है। फॉरेक्स रिजर्व का डेटा आरबीआई हर वीक पब्लिश करता है, जो इन चार कॉम्पोनेंट से मिलकर बनता है। इसमें सबसे बड़ा कॉम्पोनेंट है एफसीए या फॉरेन करेंसी एसेट्स। फॉर एग्जाम्पल, यूएस डॉलर पे करके खरीदे गए यूएस ट्रेजरी बिल्स। पिछले दो सालों में इंडिया ने अपना फॉरेक्स रिजर्व लगभग 50% से बढ़ाया है, जो इस समय दुनिया का फोर्थ लार्जेस्ट है। ये उतना पैसा है कि हम 10 महीने के इंपोर्ट्स को फंड कर सकें। लेकिन कुछ समय से रुपी डॉलर के अगेंस्ट कमजोर होता जा रहा है, तो आरबीआई अपने फॉरेक्स रिजर्व को यूज कर रहा है इसे स्टेबलाइज करने के लिए। तो फिलहाल तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, पर क्या आपको लगता है आने वाला समय भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मुश्किल होने वाला है? गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज होनी चाहिए इस समय? कमेंट्स में डिस्कस करते हैं।